आपके लिए उसके थ्रू मैं बोलना चाहूँगी कि ये मेरा अपना कॉम्प्लेक्स हुआ, मैं आज शुरुआत कर रही हूँ और जितना बेटर हो सके मेरे से मैं सॉल्व करूँगी और हर तरह के जैसे दिया है। मैडम, महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आप है, सेवा यहाँ कब आप शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग तो पहले से वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ कब से शुरू होगा? 1 मार्च से हमने डिसाइड किया है कि सारे जो भी मशीनरी उपकरण हैं और वेट्स हैं वो लग जाएं, उसके बाद हम लोग मैडम से काफ़ी दिन से हम लोग को सेवा मिलता है और गरीब मसीहों के लिए बहुत बढ़िया मैडम सेवा देती हैं और काफ़ी दिन से हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। बहुत दिनों से, पिछले 7 साल से मैं सिवान में कार्यरत हूँ और हम दोनों पिछले 7-8 साल से यहाँ पर लगातार चिकित्सा व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और सब मैडम सरकारी व्यवस्था में भी जुड़ी हुई है, मैं भी सरकारी व्यवस्था में भी जुड़ी हुई लगातार मरीजों की सेवा कर रहा हूँ। यह मेरा नया अपना उपक्रम तैयार हुआ है जिसमें कि महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए हम लोगों ने एक जगह पर ही इलाज की सुविधा दी है, ठीक है। और नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिवान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज जो है धार्मिक विधि विधान से पूजा अर्चना करके विधिवत एक नया हॉस्पिटल की शुभारंभ हो रही है और आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब और मैडम सिवान में काफ़ी लंबे समय से मेडिकल क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं और उनके नए क्लिनिक का शुभारंभ हो रहा है और इस अवसर पर तमाम लोगों को सादर आमंत्रित किया गया है। आने वाले तमाम अतिथियों ने डॉक्टर साहब के उज्जवल भविष्य की कामना की है और दोनों पति पत्नी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और समाज की सेवा करें, इस कामना के साथ आज यहाँ भोज का भी आयोजन किया गया है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद जी। सर, आज बहुत शुभ दिन है, दोनों पति पत्नी मिलकर सिवान में आप लोग समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, ये आपका अपना जो है हॉस्पिटल है, क्या आप उम्मीद करेंगे आने वाले समय में लोगों से? कि जैसे कि जानते हैं कि बहुत दिनों से, पिछले 7 साल से मैं सिवान में कार्यरत हूँ और हम दोनों पिछले 7-8 साल से यहाँ पर लगातार चिकित्सा व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और सब मैडम सरकारी व्यवस्था में भी जुड़ी हुई है, मैं भी सरकारी व्यवस्था में भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और लगातार मरीजों की सेवा कर रहा हूँ, यह मेरा नया अपना उपक्रम तैयार हुआ है जिसमें कि महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए हम लोगों ने एक जगह पर ही इलाज की सुविधा दी है, ठीक है। और जिस तरह से पहले भी हम लोग गरीबों के लिए और जो भी लाचार लोग रहे हैं उनके लिए सेवा करते रहे हैं, ठीक है, उनका कम जितना कम से कम हो उसमें इलाज करते रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा और आगे जब से मेरा अपना उपक्रम हो गया है जिसमें और भी बेहतर तरीके से हम जो है ये सुविधा दे पाएंगे। सर, किस नाम से आप इसका शुभारंभ कर रहे हैं? हम इसका नाम एक्सेस हॉस्पिटल रखे हैं। एक्सेस हॉस्पिटल, ये मेटरनल एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की उत्तम व्यवस्था रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्त्री रोग से संबंधित बांझपन हो या और भी जितनी भी समस्याएं हैं उसका इलाज होगा, साथ में बच्चों का NICU रहेगा, बच्चों का जो भी इलाज का है वो सारी सुविधाएं। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो एक्सेस हॉस्पिटल है इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के लोगों का खिदमत करना, सेवा करना और इसी उद्देश्य से इसका शुभारंभ हो रहा है। मैडम जो है महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। ऐसे में जहाँ पर महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ होती है वहाँ पर चाइल्ड स्पेशली डॉक्टर की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ताकि यहाँ शिशुओं का भी इलाज होगा और महिलाओं का भी इलाज होगा। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपके लिए उसके थ्रू मैं बोलना चाहूँगी कि ये मेरा अपना कॉम्प्लेक्स हुआ, मैं आज शुरुआत कर रही हूँ और जितना बेटर हो सके मेरे से मैं सॉल्व करूँगी और हर तरह के जैसे यस। तो देखिए ये हैं डॉक्टर शिखा सिन्हा जो परिचय के मोहताज नहीं है, मैडम जो है चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं और जानी मानी विश्वविख्यात महिला एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में इनका नाम है, प्लस साथ ही साथ डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो उम्मीद करेंगे कि सिवान के लिए बहुत बड़ा ये सौगात है और आने वाले समय में इस हॉस्पिटल से लोगों की बेहतर सेवा मिलेगी, इसी कामना के साथ और इसी सोच के साथ लोगों ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। मैडम, महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आप है, सेवा यहाँ कब आप शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग तो पहले से वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ कब से शुरू होगा? 1 मार्च से हमने डिसाइड किया है कि सारे जो भी मशीनरी उपकरण हैं और बेड्स हैं वो लग जाएं, उसके बाद हम लोग 1 मार्च से। चलिए, हमारे तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, किसी तरह से समाज हित और जनहित में आप लोग सेवा करते रहे। जी, परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम MD फिरोज हुआ। मैडम से काफी दिन से हम लोग को सेवा मिलता है और गरीब मसीहों के लिए बहुत बढ़िया मैडम सेवा देती हैं और काफ़ी दिन से हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। मैडम का भी व्यवहार बहुत अच्छा है, स्वर्ग भी बहुत व्यवहार अच्छा है। लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मैडम के पास आइए, अपना इलाज करवाएं और सेवा का मौका दें। बिल्कुल।
चलिए आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस शुभ अवसर पर तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और सभी लोग यहां पर आकर के भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। किसी भी अस्पताल के शुभारंभ में तमाम लोगों का आशीर्वाद सहयोग काफ़ी मायने रखता है और इस उम्मीद और विश्वास के साथ एक्सेस हॉस्पिटल जो कि मेटर्निटी हॉस्पिटल भी है, साथ ही साथ महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए आने वाले समय में निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगा और ऐसे लोग कामना भी कर रहे हैं। जी आइए, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी परिचय दीजिए अपना। हम इनके पड़ोसी हैं, रामा इमरजेंसी हमारी है। जी जी जी, हम लोग भी नए नए अभी शुरू किए हैं। हाँ। अब डॉक्टर साहब आ गए तो हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, बाकी जैसा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।